अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में मेरा नया आसियाना, आसियाने से आप लोग सोचेंगे आसियाना उसको बोलते हैं जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है। तो दिल्ली में फिलहाल जहां पे हम हैं तो वो मेरा आसियाना ही हुआ, तो वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो हम एक पहाड़गंज के होटल में रुके हैं यहाँ पे, जो दिल्ली स्टेशन से आई थिंक 2 किलोमीटर दूरी पे है। जैसे हम इंटर करते हैं तो आप इस रूम को देखिए, और इस रूम को देख के आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा मैसी मैसी सा है, थोड़ा मैसी है क्योंकि हमने मैसी किया है, ये मैसी रूम नहीं मिला था। तो पहले हमने एक रूम बुक किया था, बट वहाँ पे मतलब हमने पहले ही बुक कर लिया था, बट वहाँ पे वो चीज़ मतलब थोड़ी सी आउटर में थी, और हमें जो काम था वो हमें ये था कि हमें आउटर में नहीं जाना है। तो जैसे हम रूम में एंट्री करते हैं, एक यहाँ पे अलमारी दी गई है, और मैं आपको बता देती हूँ इस रूम का जो रेंट है, इस रूम का ना हम पर डे के हिसाब से ना 2500 रुपये पे करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2500 रुपये में आप एक दिन रुक सकते हैं। इसमें 2 बेड दिया गया है, हम लोग ना किंग साइज का है, किंग साइज का। हम लोग ना 2 रूम ले रहे थे, लेकिन वो फिर 5000 हो जाता, और जब इसमें 2 बेड थे तो एडजस्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी ही फैमिली है। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ चीजें ताकि आप दिल्ली में रह रहे हो मतलब आके ठहरते हो तो आप मतलब कम प्राइस में कैसे आप अपना गुजारा कर सकते हो, 2-4 दिन स्टे कर सकते हो। तो पहाड़गंज में है ये जगह, और बहुत सारे आपको यहाँ पे होटल्स मिलेंगे। नीचे फ्रिज है, हाँ यहाँ पे फ्रिज भी दिया गया है जिसकी अभी जरूरत नहीं है। और ये बेड हमारा है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, चाय भी आ चुका है, और बेड देखेंगे तो मतलब काफी अच्छा है, स्पेस अच्छी दी गई है। यहाँ पे शूज रैक वगैरह है, जिसमें आप लोग बिलीव करिए कि हम 4 दिन के लिए आए हैं, और ये हमारे कुछ शूज हैं कुछ। और यहाँ पे एक और चेयर है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बेड आप देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा बेड है। मतलब कि मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे नहीं लगा था कि हम इतने कम प्राइस में हम यहाँ पे सारी चीजें स्टे कर पाएंगे। और एसी भी है, ये रूम एसी वाला है, पंखा भी है, सारी फैसिलिटीज दी गई है इस रूम में। तो आप मतलब क्या, मैं इसलिए ये बातें शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। चाय आई है, चाय हमने ऑर्डर किया, और चाय भी बहुत, अब मुझे लगा ना कि कम से कम मैंने जो चीजें सुनी थी। चाय जी, जी किसके लिए चाय निकाल रहे हो, कोई किसी को भी नहीं पीना, रुक जा बस 2 मिनट। जो चीजें मैंने सुनी थी कि आप दिल्ली के होटल्स में जाते हो तो 100 रुपीज की चाय मिलती है, मैं ये वीडियो शो ऑफ करने के लिए चीजें नहीं बना रही हूँ। मैं खत्म पानी, हाँ सर पानी नहीं है मासी, खत्म हो गया अभी थोड़ा सा पानी, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग किसी धोखे में ना पड़े। यहाँ पे चाय आपको बाहर में 10-15 रुपए की आराम से मिल जाएगी, और होटल्स में आपको 25 रुपए कप की अच्छी चाय, 20 रुपए तक में आपको अच्छी चाय यहाँ पे मिल जा रही है। तो ऐसा कोई हवा जैसे सुन के आते हैं कि 100 रुपए की चाय मिलती है वहाँ पे, और रूम्स वहाँ पे 5000 रुपए के मिलते हैं एक दिन के लिए, तो ये सारी चीजें मैं भी सोच के आई। लेकिन बनारस है महंगा, बनारस महंगा है, लेकिन दिल्ली में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे जो चीजें ऑब्जर्व की वो मैं आपको बता रही हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है, जब तक ये वीडियो जाएगी शायद हम दिल्ली छोड़ चुके हैं। वॉशरूम भी है, वो दिखाएंगे नहीं। हाँ वो क्या देखना, वॉशरूम बहुत अच्छा सा है, एकदम क्लीन है, बड़ा सा है, गर्म पानी है। मतलब मैं ये चीजें बस इसलिए ही शेयर कर रही हूँ, कोई सोआ के लिए नहीं, ताकि जैसे कि मैं जब सोच के आई तो मेरा बजट ये था, मेरा बजट कम था, और मैंने सुना बहुत कुछ था, तो ये चीजें मेरे मन में थी, ये डर आपके भी मन में होगा, तो इसलिए मैंने एक जागरूकता के तहत ये वीडियो बनाई। बाकी मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि आप बनाओ। और कैसा लगा हमारा रूम और हमारे आइडियाज, और खाना खाने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे कुलचे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और चूर चूर नान करके ऐसे दुकानें हैं, वहां पे आप जाके खा सकते हो चूर चूर नान। और वहां पे आप छोले मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें खाने के लिए भी है। तो आप कम पैसों में भी यहाँ पे 2-4 दिन घूम के सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी मार्केट का मैंने बता ही दिया कि सरोजनी गए थे हम लोग, और हम लोग जब मतलब ये वीडियो तो शायद 1-2 दिनों के बाद जाए, जब हम यहाँ दिल्ली छोड़ चुके हो, तो हम लोग जाने वाले हैं चांदनी चौक। आप मेरे ही सब्सक्राइबर के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप चांदनी चौक जरूर जाइएगा, और
लाल किला, तो ये सारी चीजें जाके हम थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे। वैसे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से यहाँ पे आई हुई हूँ। मेरे दो तीन वर्क हैं जो मैं अपने आराम से बैठ के आप सबके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग कुछ ज्यादा निगेटिविटी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि छोड़िए मारिए गोली, क्यों मतलब आप सबको इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं घूम नहीं सकती, आप यूट्यूब पे आते ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने लगे हो। मैंने कभी खराब कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने जब से यूट्यूब पे मैंने अच्छे कपड़े ही पहने हैं। आप जींस पहनते हो, क्यों कहाँ लिखा है भाई कि मैं जींस नहीं पहन सकती। तो ये सारी चीजें निगेटिविटी छोड़िए, अच्छी चीजें पॉजिटिविटी ढूंढिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आज जब हम बाहर में होते हैं तो अपने ब्लॉग में उतना 100 नहीं दे पाते क्योंकि हम किसी काम से आए हुए हैं, मेरा पूरा का पूरा माइंड, मेरा पूरा फोकस उस तरफ है, तो ब्लॉग थोड़े 19-20 होते रहते हैं। कभी बहुत अच्छे ब्लॉग जाते हैं, कुछ लोगों के ये है कि पहले की तरह नहीं, एक दिन हुए, दो दिन हुए, दो दिनों से दिल्ली के ब्लॉग जा रहे हैं और आपको वो वाली चीज नहीं आ रही है। अब दिल्ली को एंजॉय करो ना, बाद में मेरे घर जाना और वहां पे ब्लॉग तो कंटिन्यू हमें करना ही है। तो बस ये चीजें मैं शेयर करना चाह रही थी कि आप ये मत डरिए, ये जो आज आना है आप अराउंड मतलब 2200-2300 रख लो आप ना, तो अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हो। हाँ, 2-4 रूम आप मतलब आपके पास आपका बजट ज्यादा है तो आप रह सकते हो, बट हमने इतने बजट में मतलब कर लिया। ये सारी चीजें मैं शेयर करना चाह रही थी। तो कैसा लगा था चाय जी? अच्छा, ठीक बा। चाय भी हम होटल से ही मंगाते हैं और 25 रुपए की मिल जाती है। बातें मैंने कर ली बहुत ही ज्यादा आप सबसे, तो अभी हम लोग जाएंगे बाहरी ऐसे ही घूमने, खा के भी आ सकते हैं, खाने जाएंगे, डिनर कर लेंगे और डिनर करके आएंगे। अभी तो चाय टाइम चल रहा है और जा रही हूँ मैं जैकेट डालने क्योंकि दिल्ली में अभी भी ठंडी है। बस मैं ऐसे चेंज करके ऐसे लेटी थी तो मैं सोचा कि मेरे बहनों ने बोला कि दीदी जब हम दिल्ली आने वाले थे तो कितने प्रेशर में थे ना कि इतने पैसे लगेंगे। वैसे ही आपके सब्सक्राइबर के मन में भी चीजें होती होंगी, तो क्यों ना चलो हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इनके सलाह पे ही मैंने ये वीडियो शूट किया। बाकी अच्छा रूम है और इस तरीके से आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधे, मैं आप सबसे मिलती हूँ खाने के टेबल पे और वहाँ पे खाते हैं खाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये छोड़ दीजिए कि शांति दीदी को 4 दिन तो सुकून से जीने दीजिए, 4 दिन तो अपने हिसाब से पहनने दीजिए, 4 दिन तो उनको एक अपनी मतलब मैं क्या बोलूँ, ना करें ऐसा, अच्छा नहीं लगता कम्युनिटी पे जा जाके ये सब चीजें करना, वीडियो में जा जाके ये सारी चीजें करना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा इंसान कुछ कर रहा है उसमें चीजें माइंड इधर से उधर हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। अभी ये दिल्ली में हमारा है 2रा दिन, हम कहीं घूम के तो नहीं आए, मतलब गए थे सरोजनी मार्केट और वहाँ पे आने के बाद बड़ी थकान सी हो गई। ये आई थिंक उन्हीं के लिए है सरोजनी मार्केट, जो जैसे कि यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं जो अच्छे तरीके से उस मार्केट को समझते हों। और बस हम अभी बंद करो, ये देखिए ये तैयार हो गई हैं, ये तैयार हो गई हैं, मतलब तैयार क्या हुए हैं, मतलब चेंज वेंज करके थोड़ा सा अभी हम लोग जा रहे हैं बस होटल के बाहर में कुछ खाना खाने के लिए, देखने कि यहाँ दिल्ली में क्या चीज़ें मिलती हैं। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या चीज़ें हमें ट्राई करनी ही चाहिए, कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मैं दिल्ली में हूँ और मेरे दिल्ली के ब्लॉग जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा भी कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी मेरे साथ मेरे लाइफ में, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें, वैसे अच्छी की उम्मीद है अभी, तो वो हम शेयर करेंगे। इस वॉच के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा, ये देखिए इस वॉच के लिए कहाँ से लिया है, तो मैंने उसकी वीडियो डाली है। चलो यही बचा जी, चले तो ये वॉच मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया है, बोट ब्रांड का है। बोट मुझे इसलिए पर्सनली पसंद है, मेड इन इंडिया है और साथ में मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। इसके मेरे पास ईयरबड्स हैं, इसके मेरे पास ईयरफोन्स हैं और इसके मतलब एक होता है ना जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उस पर ट्रस्ट आ जाता है, तो ये उसका है। और इसकी जो प्राइस है, जो अमेजोन पे सेल चल रही थी ना, मैंने आपको बताया था, आप लोगों को लगता है मैं एमए बोलती हूँ, तब मैंने ये खुद के पैसों से लिया है, स्पॉन्सर नहीं है ये, मतलब इन्होंने लिया था। और आई थिंक 7000 की थी, बट ये इसकी प्राइस अब काफ़ी कम थी, 3000 के समथिंग की पड़ी थी, 4000 उसमें ऑफर में ये। तो अभी अमेज़न पे कोई सेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगी अगर आपको लेना होगा तो। अब लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैं कहाँ की बात कहाँ ले आई, देखिए बैठल बड़ा निकल जीजा जी, मोबाइल चलाओ तो हन, लाइट बंद हो गई क्योंकि हमने कीज़ जो है वो निकाल ली है। और मैं वीडियो भी शेयर करूँगी कि हम लोग कौन से रूम में रुके हैं और कितने
पैसे आपके पास हो तो दिल्ली में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। बहुत सारे अनुभव मैंने इस बार किए हैं तो मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताना चाहूँगी। आ गए हैं लिफ्ट के पास और ये दिल्ली में ना उतनी ठंडी नहीं ना जितना हमारे यहाँ बनारस में है। आएंगे अभी लॉक कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए और हमने खाना में देखिए जब बाहर में होते हैं तब खाने की सच्ची और असली कीमत वहीं पता चलती है। मैं सच बोलूँ तो घर पे तो दो चार रोटी ऐसे एक्स्ट्रा बन जाती है, बाहर में जब आप 30 रुपये 40 रुपये मतलब 20 रुपये तक की तो रोटी आती ही आती है दिल्ली जैसे शहर में, तब आपको समझ में आता है। तो हमने रोटी सब्जी दाल चावल, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों में मतलब मैं बिलीव करती हूँ, अच्छा खाओ और भरपेट खाओ, बाकी हाई फाई चीज़ें खाने के चक्कर में पता चला पेट ही ना भरा। तो मिलते हैं आप सबसे एक अगली वीडियो के साथ।